अहल कारी के क्या कहा है, यह है कि कहा है कि हमारी मस्जिदें यहूदियों और क्रिश्चियंस के लिए खुली हैं क्योंकि वो बिलीवर्स में से है। माजल्ला क्या, क्योंकि वो बिलीवर्स में से है। बिलीवर्स हाँ, वो अपने बारे में खबर दे रहा है। ताहिल कादरी जो ये कह रहा है कि वो बिलीवर्स में से है, यानी उनको ईमान वाला बता रहा है, तो कुरान ने तो जो सरकार पर यहूद और नसारा जो ईमान नहीं लाए, कुरान ने उनको काफिर कहा और ये उनको बिलीवर्स कह रहा है, कि कुरान को झटका रहा है और वो शख्स जो है खुद अपने कौल से उसका कौल जो है उस पर पुकार पुकार के कह रहा है कि वो कुरान को झुटलाए वो ईमान वाला नहीं हो सकता। वो जो है यहूदियों की तरह से और नसरानियों की तरह से वो भी जो है बल्कि उनसे भी जो है आगे बढ़कर के जो है वो कुफ्र में कि दलदल में फंसा हुआ है, कि यहूद नसारा तो शुरू से ही उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके सरकार के दीन से अल्लाह के दीन से मुनहरिफ हो गया। एक इसमें सवाल है, ताहिर कादरी को इस वजह से लोग पादरी कहते हैं, ताहिर पादरी आजकल, वो तो इसमें पूछ रहे हैं इसमें कहने में कोई कराहत तो नहीं है। ताहिर पादरी कहा जा सकता है, कोई कराहत तो नहीं, कराहत क्या, ये वो तो पादरी ही है बल्कि पादरी से बदतर है, इसलिए कि वो मुसलमान कायदा करके कलमा पढ़ करके और यहूदियों और नजरानियों का काम कर रहा है, यहूदी नवाजी और क्रिश्चियन नवाजी कर रहा है, तो वो हकीकतन उन्हीं का आदमी है और वो कादरी नहीं है बल्कि पादरी ही है।